वडोदरा में मेयर के खिलाफ पर्चा कांड के बाद अब सूरत में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। सूरत के बीजेपी विधायक संदीप चौरियासी ने पार्टी प्रमुख सीआर पाटिल को बदनाम करने के वायरल हुए पर्चों के मामले में सूरत क्राइम ब्रांच में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कैसे सुलझेगा विवाद, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। वडोदरा के बाद अब गुजरात के सूरत में पर्चा कांड सामने आया है। 84 से बीजेपी विधायक संदीप देसाई ने तीन लोगों के खिलाफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल को बदनाम करने के लिए पर्चा छपवाने को लेकर क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज कराया है। कुछ समय पहले सीआर पाटिल, सांसद प्रभु वसावा और 84 विधायक संदीप देसाई को बदनाम करने वाले पर्चे वायरल हुए थे। क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराने के बाद विधायक संदीप देसाई ने कहा कि कहां पर्चों के जरिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, सांसद प्रभु वसावा और उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई थी। इस मामले में उन्होंने क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज करवाया है। देसाई को बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल का बेहद करीबी माना जाता है। नवसारी से तीसरी बार बीजेपी के सांसद सीआर पाटिल गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष है। उन्होंने 20 जुलाई को बतौर प्रदेश अध्यक्ष अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया था। बीजेपी के 84 से विधायक संदीप देसाई ने सूरत क्राइम ब्रांच को जो शिकायत दी है उसमें दीपू यादव, खुमान सिंह, राकेश सोलंकी के नाम है। क्राइम ब्रांच के एफआईआर दर्ज करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इन नेताओं की कुछ ही समय में गिरफ्तारी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। ज्ञानव्यापी मस्जिद में एएसआई सर्वे रहेगा जारी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की, कहा न्याय के लिए यह जरूरी, अब कैसे होगी सर्वे की कार्यवाही, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है। दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा न्याय हित में एएसआई का सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करेगा। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। इससे पहले जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष एससी पहुंचा था, हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा था। कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका। अडानी समूह के अंबुजा सीमेंट में सीमेंट सेक्टर की कंपनी सांधे इंडस्ट्रीज को खरीदने का ऐलान कर दिया है। अब सीमेंट इंडस्ट्रीज में कैसे बढ़ेगा अडानी का पावर, देखते हैं बिजनेस रिपोर्ट अंदर की बात में। सीमेंट सेक्टर में अडानी समूह ने एक और बड़ी खरीदारी कर ली है। अडानी समूह की कंपनी और अडानी सीमेंट के हिस्से अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने सांगी इंडस्ट्रीज को खरीदने का ऐलान कर दिया है। अंबुजा सीमेंट ने 5,000 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू के जरिए सांगी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण का ऐलान किया है। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड सांगी इंडस्ट्री लिमिटेड के मौजूदा प्रमोटर ग्रुप श्री रवि सांगी एंड फैमिली से कंपनी का 56.74% हिस्सा अधिग्रहित करेगा। इस अधिग्रहण को अंबुजा सीमेंट पूरी तरह आंतरिक स्रोत से फंड करेगा। सांगी इंडस्ट्रीज के पास गुजरात के कच्छ जिले के सांदीपुरम में भारत का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन सीमेंट टोक क्लिंकर यूनिट है। ये इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो इसके अधिग्रहण से क्षमता के आधार पर अंबुजा सीमेंट के पास सांगी का सबसे बड़ा सीमेंट यूनिट आ जाएगा। इस अधिग्रहण में अंबुजा सीमेंट की कैपेसिटी 73.6 मैट्रिक टन सालाना तक बढ़ जाएगी और ACL का 2008 तक 140 MTPA क्षमता को हासिल करने का लक्ष्य समय से पहले पूरा हो जाएगा। कंपनी का लक्ष्य है कि सांगी इंडस्ट्रीज को देश के सबसे कम लागत वाली क्लिंकर की कंपनी बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन देश भर के 100 शहरों में अरबों रुपए के निवेश के जरिए शहरीकरण के लक्ष्य को तेजी से हासिल करना चाहता है। यह लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है, क्या है इसके पीछे की अहम वजह, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस मिशन के तहत देश भर में 100 शहरों को चुना गया, उन्हें साफ और टिकाऊ वातावरण में साथ साथ आधारभूत ढांचा प्रदान करके विकास किया जाए।
सरकार ने इस मिशन के लिए शुरुआती तौर पर 22 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि निर्धारित की थी। रिपोर्ट के मुताबिक परियोजना की कमजोरी में एक और बड़ा मुद्दा है और वह है स्थानीय सरकारी विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच में समझ का फर्क। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी खास तौर से छोटे नगर निगम प्राधिकरणों के अधिकारी जब कम समय सीमा में काम करते हैं और केंद्र सरकार से भी उन्हें कोई खास सहयोग नहीं मिलता है तो बड़े बजट का प्रबंधन करने में उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। उनके पास बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने और चलाने की क्षमता भी नहीं थी। काम में प्रगति दिखाने के लिए कई मनमानी परियोजनाएं शुरू की गई और फिर छोड़ दी गई। इसमें करीब 73% परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ शहरों का इस मायने में प्रदर्शन अन्य की तुलना में बहुत खराब रहा है। पाकिस्तान के उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने पाकिस्तान गवर्नर्स फोरम 2023 कार्यक्रम के दौरान चीन की तारीफ की तो वहीं भारत के खिलाफ जहर उगला। हिना रब्बानी ने भारत के खिलाफ क्या उगला जहर, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पाकिस्तान की उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने वेस्टर्न देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों के बारे में टिप्पणी की है। उन्होंने भारत पर अपने पड़ोसी देशों के प्रति युद्ध वाला रवैया रखने का आरोप लगाया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान गवर्नर्स फोरम 2023 में चलती हुई मंत्री हिना रब्बानी खान ने भारत को वेस्टर्न देशों का डार्लिंग बताया। पाकिस्तानी मंत्री हिना रब्बानी खान ने भारत को लेकर दिए गए बयान पर कई लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई। हिना रब्बानी खान ने कहा कि भारत ने वेस्टर्न देशों का प्रिय बनने का फैसला किया है, लेकिन साथ ही वो अपने क्षेत्र के देशों के प्रति बहुत आक्रामक है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान गवर्नर्स फोरम 2023 में हिना रब्बानी ने कहा कि ये एक ऐसा देश है जो कुछ देशों के लिए बहुत खुला रहता है, लेकिन कुछ लोग और अपने क्षेत्र के कुछ देशों के प्रति बहुत आक्रामक है। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने कार्यक्रम के दौरान ड्रैगन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान काफी अच्छा कर रहा है, हमारे रिश्ते चीन के साथ भी काफी बेहतर है, हमारे आर्थिक संबंध भी मजबूत है, वहीं भारत आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटी। किसी यूट्यूब वीडियो को देखते हुए एक्स्ट्रा आना बहुत ही इरिटेट करता है। इसे बेचने के लिए कई लोग एब्डोलो का यूज करते हैं। कंपनी यूजर को ऐसा करने से रोकने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। इसके तहत एड ब्लॉकर यूजर करने पर आपको ब्लॉक किया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला अंदर की बात में। यूट्यूब एड्स कई बार आपके पूरे व्यूइंग एक्सपीरियंस को बर्बाद कर देते हैं। शुरुआती दिनों में ये एड्स कुछ सेकंड के होते थे और उन्हें स्किप भी किया जा सकता था, मगर अब ऐसा नहीं है। ऐसे में कई यूजर्स YouTube एड्स ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अब YouTube यूजर्स को एड्स ब्लॉकर यूज करने से रोकने पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक YouTube एक नई थ्री स्ट्राइक पॉलिसी पर काम कर रहा है। इस पॉलिसी के तहत कंपनी ऐसे यूजर्स के लिए YouTube वीडियोस को ब्लॉक कर देगी जो लगातार 3 वीडियो को एड्स ब्लॉक ऑन करके देखेंगे। एक यूजर ने इसका स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया था जिसमें उसे थ्री स्ट्राइक पॉलिसी का पॉपअप दिख रहा था। यूजर ने इसका स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया है जिसमें वार्निंग साफ साफ देखी जा सकती है। अगर यूजर 3 वीडियो लगातार देखेंगे तो यूट्यूब उन्हें ब्लॉक कर देगा। वही एड्स को रिमूव करने के लिए कंपनी यूट्यूब प्रीमियर सब्सक्रिप्शन पर सजेस्ट कर रहा है। इस प्लान के तहत यूजर्स को न सिर्फ यूट्यूब पर एड्स फ्री एक्सेस मिलेगा बल्कि आप यूट्यूब म्यूजिक को भी बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी।